लेकर लखनऊ एसएसपी कलानिधि नैथानी का बयान सामने आया। कलानिधि ने शराब तस्करों और माफियाओं पर नजर रखे जाने की बात कही, साथ ही दूसरे स्टेट से राजधानी में आ रही शराब पर भी लगाम लगाने की बात कही। कुशीनगर और सहारनपुर में जिस तरह से जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद लखनऊ पुलिस भी एक्शन में है। तमाम कार्रवाई की गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं, अवैध शराब पकड़ी गई है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी कलानिधि नैथानी। सर सर, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है इन घटनाओं के बाद? अभियान देखिए लगातार यहाँ पे जारी रहा। एंटी क्राइम हेल्पलाइन भी हम लोगों का पहले से इश्यूड था, जिस पर सूचनाएँ आती थी, गिरफ्तारियाँ हो रही थी। पिछले 6-7 महीने में लगभग 35,000 से 40,000 लीटर अवैध शराब हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें कई वाहनों से जो ट्रांसपोर्ट होता था उनको सीज भी किया गया। वो जो कार्रवाइयाँ होती थी अलग अलग समय पर अलग अलग थाने पे होती थी, तो कल लेकिन हम लोगों ने सभी थाना क्षेत्रों में रात भर जो है रेड्स करवाई हैं। 40 लोग अरेस्ट हैं, लगभग 1700 लीटर शराब बरामद है, कई क्विंटल लहन हम लोगों ने नष्ट किया है। जो पहले माफिया थे शराब में चिन्हित, जो गैंगस्टर थे, जिन पर गैंगस्टर लगाया गया था, उन सब पर विशेष निगाह रखी गई है, उनको तस्दीक किया गया है। LIU से इनपुट लिया गया, आबकारी विभाग से इनपुट लिया गया है और जनता से इनपुट हम लोग ले रहे हैं। इस तरह से ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी जो QRTs बन गई हैं, जिसमें CO हैं, SHO कंसर्न चौकी इंचार्ज हैं, इनको हम लोग एक्टिव रखेंगे और पूरा चुनाव के दौरान तो विशेष नज़र हम लोग रखेंगे कि इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और अवैध शराब का जो ये कारोबार है इस पर पूर्णतः अंकुश लगे। सर, अगर आबकारी की बात करें तो क्या आबकारी का वो सहयोग मिल पाता है लखनऊ पुलिस को जो मिलना चाहिए? मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है और कल भी हम लोगों ने साथ में मीटिंग करी है। इसमें सभी अधिकारी उनके मौजूद थे, पुलिस के साइड से मौजूद थे और जितनी QRTs बनी है उसमें उनके अधिकारी नामित, वो भी उसके लिए भी कहा गया। और आबकारी की जो संयुक्त ऑपरेशंस हैं इसमें सभी का सहयोग रहता है, मजिस्ट्रेट्स भी मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल लखनऊ के SSP कलानिधि नैथानी थे ये। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद जिला प्रशासन, लखनऊ पुलिस और आबकारी एक संयुक्त टीम बनाई गई है और लगातार जो है चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र हों, सभी जगह ये अभियान चलाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी पकड़ी गई है, लोगों को गिरफ्तारियां भी की गई हैं और आगे भी अभियान इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन महीप साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं ADG जोन लखनऊ।